मैं चाहता हूं कि अब यहां से हास्य की शुरुआत अब होनी चाहिए और हास्य की शुरुआत यहां से होनी चाहिए कि दिनेश सिंह गुक्कत जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, एक बड़े कवि, बड़े हास्य के धुरंधर कवि, धुरंधर तो आप समझते हैं जो आंख में धूर और अंधर झोंक दे उसको धुरंधर कहते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार। देखिए अभी तो डंडा बनारसी हैं, बिहारी लाल अंबर हैं, पूनम श्रीवास्तव हैं और साविस्ता ब्रजेश हैं, अहमद आजमी हैं, तो राजेश जी हैं, तो हमारे रमेश विश्वहार जी छत्तीसगढ़ रायपुर की धरती से हमारे बीच आए हैं। ये आज सबसे ज्यादा अधिक दूर से आने वाले यही कवि हैं, रमेश विश्वहार जी। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें और खूब जबरदस्त उनको गीत हम सुनेंगे। हम चाहेंगे कि उस मुकाम पर हम जब पहुंच जाएं तो हम गीत के लिए उनको आमंत्रित करेंगे। अभी हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्री दिनेश सिंह गुक्कत जी को, जो हास्य के बड़े कवि हैं और बड़े बड़े मंचों पर वो जाते हैं और एक बड़ा हृदय रखते हैं। सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द, मेल मिलाप, आपसी भाईचारा के प्रतीक हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ दिनेश सिंह गुक्कत जी का स्वागत। देखिए शंकर जी बिहार से आए हैं। एक बार राज ठाकरे हमें मिल गए मनसे के कार्यक्रम में, हमने कहा आप बिहारियों से इतना क्यों चिढ़ते हैं भाई। बिहारी बहुत अच्छे होते हैं, बिहारी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनके 9 बच्चे होते हैं। वाह 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 वाह। मैंने एक बिहारी से पूछा, बिहारी जी ये बच्चे संज्ञा से हैं कि सर्वनाम से? बिहारी जी बोले, कवि जी आप कविता से हैं कि कब्रिस्तान से? क्या बात है, क्या बात है। आपको मालूम हो कि बच्चे न संज्ञा से होते हैं न सर्वनाम से, बच्चे होते हैं क्रिया विशेषण के उपादान से। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैंने कहा बिहारी जी, न भोजन का संसाधन, इतनी भुखमरी में इतना उत्पादन। बिहारी जी बोले, आपकी सोच एकदम सरकारी है, अरे प्रकृति के साथ न चलना भी एक प्राकृतिक बीमारी है। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और इस मामले में हम पूर्णतया कर्तव्यनिष्ठ हैं। न इसमें हिंसा है न आतंकवाद है, यह तो स्वयं में गांधी और बुद्धवाद है। वाह वाह वाह। मैंने कहा अपना भारत ऐसे ही थोड़ी महान है, अभी इसमें कितने बांग्लादेश और पाकिस्तान है। क्या बात है, क्या बात है। आप बिहारी हैं, लालू जी ने चारा खाया, मास्टर ने पूछा अब क्या होगा, इसका भविष्य काल बताओ। एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला कि अब लालू दूध देगा। ये कि ईमानदार हैं सभी जानते हैं, आप घूस को घास मानते हैं। ईमानदार हैं सभी जानते हैं, आप घूस को घास मानते हैं। अरे मानसिंह थोड़ी है, राणा है, आप घास का सम्मान जानते हैं। वाह 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 वाह। आप देश के कर्णधार हैं, कर्णधार इसलिए नहीं कि देश के आधार हैं, कान धारण किए हैं इसलिए कर्णधार। वाह वाह। सांप भी विषैला है मगर उसके कान नहीं है, इसीलिए इनके आगे उसका सम्मान नहीं है। क्या बात है, क्या बात। हर झूठे के हाथ में एक गीता है, हर झूठे के हाथ में एक गीता है। अरे सांप विष नहीं दूध पीता है, सांप क्या खाकर इनको पाएगा। सांप कितना भी विषैला हो जाए, सांसद या विधायक थोड़ी हो जाएगा। वाह 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 वाह। भैंस चारा खाती है तब दूध देती है, सांप दूध पीता है तब विष देता है। ये भैंस और चारा दोनों खाते हैं, इसीलिए सांप से ज्यादा विषैले हो जाते हैं। वाह 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 वाह। सांप चोट से मरता है, ये वोट, हम सोचे कुछ पैसा देने आ रहे हैं। सांप चोट से मरता है, ये वोट से मरता है। सांप पेट सेवा में रेंगते हैं, ये देश सेवा में कूदते हैं। देश सेवा पेट सेवा का ही पर्यायवाची है, वो झगुआ है तो ये खांची है। हम ऊंट को मनचाही करवट बिठा देंगे, आप स्कूटर पर एक भैंस ला देंगे। हम जानते हैं आप साफ कर जाएंगे, ये जैसे तैसे लाए हैं तो आप इंक्वायरी बिठाएंगे।
आप कितने अमानवीय, कितने पक्षपाती हैं, आखिर शर्म भी कोई चीज है, आपको क्यों नहीं आती है? आप नागपंचमी मनाएंगे, नेता नवमी नहीं मनाएंगे? अच्छा, सांप का विष तो सांप के विष से उतर जाता है, इनका विष इनके विष से उतार पाएंगे? वाह वाह, हर जगह आरक्षण, हर जगह धांधली मचाएंगे, थर्ड क्लास वाले को IAS और टापर से मूंगफली बिछवाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। देखिए, मैं काशी से आया हूं। एक बार एक भक्त ने भगवान को प्रसन्न किया, भगवान बोले बेटा वरदान मांग ले। वो बोला महाराज हमको विधायक बना दो। भगवान लगे भागने, बोले तीनों त्रैलोक के में कुछ और मांग ले। वो बोला बाबा मजा तो इसी में है। अब भगवान भाग काहे रहे हैं? किसी उजी को तपस्या से किया भक्त ने प्रसन्न, वरदान दिया से उन्हें तो कहने लगा भगवान, मुझको किसी तरह से इलेक्शन में जिता दो, अपनी कृपा से नाथ मुझे नेता बना दो। भगवान बोले भक्त ये वरदान न दूंगा, तू मांग ले त्रैलोक के, तुझे हंस के मैं दूंगा। तू जानता नहीं है इसमें मर्म बहुत है, नेता की रेसिपी में खटकर्म बहुत है। जब साल में आता है ये कार्तिक का महीना, गड्ढा बना के डाल दो 14 गो कमीना, डालो 27 चोर 57 गो माफिया, फिर डालो 150 शराबी जो हो पिया, 23 मक्कार और 73 गो बवाली, 1500 डाकू और 7200 मवाली, इतना मिला के फेंट दो असुरों के खून में, 6 माह बाद निकलेगी जो मिट्टी जून में, पुतला बना के उसमें भेड़िए की आंख दो, इतना मिला के नेता बनाते हैं आंख लो, सामग्री इतनी काऊ कहां से जो कही है। बताइए इतनी सामग्री कहां से आएगी? देखिए सामग्री ठीक से याद नहीं हुई, एक बार फिर से बताना है। नहीं, एक बार फिर से बताना है ना, एक बार तालियां बजा करके बता दें, तालियां बजा करके। हाँ, किसी जी को तपस्या से किया भक्त ने प्रसन्न, वरदान दिया से उन्हें तो कहने लगा भगवान, मुझको किसी तरह से इलेक्शन में जिता दो, अपनी कृपा से नाथ मुझे नेता बना दो। भगवान बोले भक्त ये वरदान न दूंगा, तू मांग ले त्रैलोक के, तुझे हंस के मैं दूंगा, तू जानता नहीं है इसमें मर्म बहुत है, नेता की रेसिपी में खटकर्म बहुत है। जब साल में आता है ये कार्तिक का महीना, गड्ढा बना के डाल दो 14 गो कमीना, डालो 27 चोर 57 गो माफिया, फिर डालो 150 शराबी जो हो पिया, 23 मक्कार और 73 गो बवाली, 1500 डाकू और 7200 मवाली, इतना मिला के फेंट दो असुरों के खून में, 6 माह बाद निकलेगी जो मिट्टी जून में, पुतला बना के उसमें भेड़िए की आंख दो, इतना मिला के नेता बनाते हैं आंख लो, सामग्री इतनी लाऊं कहां से जो कही है, नेता बनाना भक्त मेरे बस में नहीं। देखिए मैं मंच के ऊपर एक व्यंग पढ़ना चाहिए, सहयोग आपका चाहिए। पूरा पूरा जब तक अपने ऊपर व्यंग न हो, व्यंग का मजा क्या है? सही बात कि कवि जी बाह कवि जी है कवि जी सारा रा रा रा, कवि जी बाह कवि जी है कवि जी सारा रा रा, कि पहले पढ़ते वो कवि जी अब पढ़ते हैं हाथ से, और श्रोता से ज्यादा खुद हंस के करें मंच पर नाच, कवि जी बाह कवि जी है कवि जी सारा रा रा रा, कवि जी वाह, कि तखत के ऊपर उजला चद्दर बिछा के बन गया मंच, तखत के ऊपर उजला चद्दर बिछा के बन गया मंच, और ओकरे ऊपर चढ़े कवि जी हुए नशे में टंच, और कौनो कौनो ठाकुर कौनो बाभन कौनो था भूमिहार, अब बुद्धिजीवियन के बीच माँ भय चमरौधा मार, कवि जी बाह कवि जी है कवि जी सारा रा रा रा, कवि जी क्या। और एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार
पहनाइएगा मत। अरे अरे हम तो भाई हम रोक रहे थे कि पहनाइए मत, हाथ में दे दीजिए। फैशन करके कवियत्री जी हुई मंच की बिंदु। हाँ फैशन करके कवियत्री जी हुई मंच की बिंदु, और इनसे सटके जे बैठा फैले जैसे कद्दू। अरे आधी रात के बाद पढ़े का आवे एंकर नंबर, और श्रोता भी सब भाग न पावे जो पर सदिया बंदर। और रंग सेन के चका चौध बा जमी चकाचक भीड़, और कभी बने हैं साण मंच पर दे मंच का हीड़। कवि जी वाह कवि जी हाय कवि जी सारा रा रा, कवि जी वाह कवि जी हाय कवि जी सारा रा रा रा। वाला एक बार और पढ़ दिए एक आज तू जानता हमका थकावा मत नहीं कोनो ठाकुर कोनो बावन उसको एक बार और पढ़ दिए। सुनिए एक वीर रस के कवि होते हैं मरे जिए 20 किलो के कि मूस देख के जे मेहरी के लूगा में घुस जाए। अच्छा मूस देख के जे मेहरी के लूगा में घुस जाए, और अनियारे में डर के मारे जे सूसू ना जाए। ऐसे वीर कभी पढ़ते हैं आज मंच से ओझ, और 30 किलो 70 ग्राम का ढोए अपन बोझ। और पिछवाड़े जब बिलरा बोले खुल खुल जाती कांच, और इनके दम से इनकर मेहर रही आज तक बाँच। और माइक के भोपू से करते पाकिस्तान को सूट, और जमे रहे माइक के ऊपर कितनों हो वे हुट। कवि जी बा कवि जी हाय कवि जी सारा रा रा रा, कवि जी बा कवि जी हाय।